चालू करते हैं तो देखिए ये कंप्रेसर है, बहुत हाई कंप्रेसर है इसमें, ये देखिए, और हल्के से स्टार्ट, ये हो गया 3 लीटर। इसमें यही तो खासियत है, बंद होने से भी चालू हो जाता है, दूध है ये एकदम। इसके व्हील का कमाल है, ये देखिए कितना कम स्पीड हो गया, फिर भी आज मैं लेके आया हूँ फील्ड मार्शल का 12 HP का, ये देखिए। लोहे का कुछ भी हो तो तुरंत टेटनेस का इंजेक्शन जरूर ले ले, बहुत जरूरी है। और जो रहा ये देखिए, ये 2 हथौड़े में ही के पे थोड़ा सा खींचेंगे, ये देखिए, ये देखिए, और तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर पुलिया पन्नी लगाया रहता है जिससे कि पानी वानी बारिश बारिश में भीगे ना। ये हटा दिया हमने पन्नी, देखिए ये आपके सामने पेश है 12 HP का लिस्टर पावरफुल वाटर। राधे राधे दोस्तों, मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मशीन वाला वर्ल्ड पैवेलियन कंपनी में हार्दिक स्वागत है, एक्साइटेड हो जाइए। आज मैं लेके आया हूँ फील्ड मार्शल का 12 HP का इंजन, देख पा रहे होंगे इस बॉक्स के अंदर फील्ड मार्शल का 12 HP का इंजन है। संजीव कुमार हमेशा आपको कुछ ना कुछ जानकारी हमेशा प्रोवाइड करवाता रहता है। पिछली वीडियो में जो मैंने 14 HP का इंजन डाला था, जो कि कम से कम 1 साल पहले डाला था, उसको इतना लाइक मिला मैं बता नहीं सका, बहुत सारे कमेंट मिल जाए। एक महादेव महोदय ने कमेंट करा था कि सर इंजनवा का आवाज़ भी सुना दिए होते तो उसका भी आज आवाज़ सुनाएंगे एकदम फिट करके, और आपको बताएंगे फील्ड मार्शल की जो कंपनी से डायरेक्ट इंजन आता है उसमें क्या क्या खासियत होती है, ओरिजिनल की पहचान क्या होती है, और कैसे आप एक ओरिजिनल इंजन लेके ओरिजिनल इंजन को पहचान कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सील पैक आएगा जब फील्ड मार्शल की कंपनी से इंजन आएगा तो, और इसके अंदर ये लोहे की पत्ती लगी रहती है, साथ में ये देखिए पेटी पे क्या लिखा हुआ है, पेटी पे एक नंबर लिखा रहता है, देखिए SG3818, और फील्ड मार्शल का मोहर रहेगा इसके ऊपर, और ये सीधा और उल्टा कैसे खड़ा करते हैं, ये वाला सीरियल नंबर जरूर अंदर से एक पेपर निकलेगा जिसके ऊपर लिखा रहेगा ये सीरियल नंबर, और गारंटी कार्ड भी निकलेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो शुरू करने से पहले हरे का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और राम और राम और हरे हरे, जय श्री कृष्ण और राधे राधे का नाम लेते हुए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है, मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए 12 HP का फील्ड मार्शल का इंजन ये लिस्टर में कैसा होता है। और आज आपको मैं दिखाऊंगा इसे खोल के, खोलने से पहले हम ये देखिए एक प्लास और पेचकस का ये इस्तेमाल करेंगे ये सील काटने के लिए, देखिए इसकी सील काटने के लिए हम करेंगे, और जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। देखिए ये हमने यहाँ पे सील तोड़ दिया, अब ये खुल जाएगा आसानी से, ये वाला सील थोड़ा मजबूत होता है, देखिए ये भी तोड़ दिया मैंने, पेचकस बहुत बड़ा और हैवी ड्यूटी है इसलिए हो जाएगा। कभी भी आप फील्ड मार्शल का इंजन अगर लेंगे कंपनी से या हमसे लेंगे मशीन वाला से, तो ये आपको पेटी बंद पेटी पैक मिलेगा, और किसी से लोकल लोकल ले लेंगे तो फिर उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत है, पुराने इंजनों को क्या करते हैं पेंट वो उपले होते हैं, उपले गोबर का वो होता है उपला, उपले में जला जुलू देते हैं, जलाने के बाद उसमें पेंट वेंट करके और मार्केट से प्लेट बनवा के आजकल कंप्यूटराइज हर चीज़ बन जाता है और ठोक के आपको सस्ता दे देंगे। पर ओरिजिनल इंजन की पहचान में आज आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है, इन सबसे बचाने के लिए ही हमेशा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये मैंने सील खोल दिया, और ये सबसे पहले ये लोहे की सील खुल गई, अब इसको हम ये इसकी ये ऊपर की ये देखिए ये निकालेंगे, देखिए ये निकालते समय देखिए जो ट्रेंड है वो तो फटाफट निकाल देगा, पर आपको एक ग्लव्स का इस्तेमाल करना है और सावधानी से निकालना है कि हाथ में लगे होगे ना, बाकी मैकेनिकल लोग तो हमेशा ट्रेंडी होते हैं भाई, उनको ग्लव्स की जरूरत नहीं होती है, फटाफट कुछ भी लेकर निकाल देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। ये देखिए ये खुल गया ऊपर का, और ये मैंने खोल दिया, ये देखिए, ये देखिए कील किस तरह से लगी हुई है, बहुत सावधानी से करना होता है। एक बार मैं ऐसे ही वीडियो बनाते बनाते कील घुस गया था अंदर, फिर लोहे का कुछ भी हो तो तुरंत टेटनेस का इंजेक्शन जरूर ले लें, बहुत ज़रूरी है, और जो लोहे का काम करता हो तो उसको तो महीने में एक टेटनेस का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। देखिए ये इंजन लगने वाला है 4 लेग क्लिप मशीन में, जिसे मैं दिखाऊंगा, पहले अनबॉक्सिंग करूँ, खुलने के बाद ऊपर का व्यू दिखाओ किस तरह का है। ये ज़्यादातर किसान भाइयों के लिए रहता है,
और उन्हीं के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसके साथ एक बेल्ट वाली पुली मिलती है, इसके औजार मिलते हैं और इंजन एकदम ये सील पैक होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या 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 होता है इसमें। देखिए अब हमें क्या करना है, हथौड़े का इस्तेमाल करना है। हथौड़ा मारना है हमें इधर की तरफ, सामने सीखा, ये इधर से कील ठुकी हुई है तो हमें इधर की तरफ ये पटरों पे हथौड़ा मारेंगे इधर से। अगर इधर से मारेंगे तो खुलेगा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा। देखिए ये मारा मैंने, देखिए कैसा खुल रहा है, ये देखिए, ये दो हथौड़े में ही, ये सब टेक्निक है खोलने का। और ये देखिए इधर से भी मारेंगे तो कैसे खुलेगा, ये देखिए। लेकिन सावधानी से मारना है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है सावधानी से मारने का। ये देखिए देखिए ये मारने के बाद क्या है, थोड़ा हाथ से खींच देंगे, सामने से दिखाओ, इसे झोंके पे थोड़ा सा खींचेंगे। ये देखिए अब इस तरह की सील है, नीचे भी लगी रहती है, अगर वो टूट गई है ठीक है तो निकल जाएगा, नहीं टूटी है तो नहीं निकलेगा। देखिए ये अभी उसमें लगी हुई है और हम इसको इधर दबा देंगे, देखिए ये देखिए ये देखिए। और ध्यान रखना है कील निकली हुई है, कहीं पैर इस पर ना चल जाए, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए ये इसके अंदर पुली आपकी लगी है, ये हमने बोल्ट लगाया, बोल्ट निकाला और ये निकल गई आपकी पट्टे वाली पुली, और ये पेटी निकली है। ये लाइव चीज़ें दिखाऊंगा कि आपके इंजन के पेटी बंद में निकलता क्या क्या है। कई बार कई सारी चीज़ें देने वाला रख लेता है, क्या क्या निकलती है अभी देखिए क्या क्या निकलता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब ये इंजन आ गया, खुल गया, ये देखिए इसमें ये पन्नी लगाया रहता है जिससे कि पानी वानी बारिश वारिश से भीगे ना। ये हटा दिया हमने पन्नी, देखिए ये आपके सामने पेश है 12 एचपी का लिस्टर पावरफुल वाटर कूल्ड इंजन। और ये जिस मशीन में लगने वाली है वो है 4 लेग की लिफ्ट मशीन, जो वो दिख पा रही होगी, देख पा रहे होंगे, ये 4 लेग की लिफ्ट मशीन में देखिए। और जो ले रहे हैं वो सर जी हैं, ये अपने इंजन देख रहे हैं, श्रीनाथ जी हैं, और ये हैं सर जी जो एकदम सऊदी अरबिया में पोकलेट लिफ्ट चलाए, वो क्रेन चलाई हुई है, बहुत ही अरबिया वगैरह सब जानते हैं, इनकी मशीन में लगेगी। सर जी रुके हुए हैं, 2 दिन से मशीन बनवा रहे हैं, आज शनिवार है इसलिए नहीं जाएगी, कल जाएगी मशीन। तो देखिए किस तरह से खुल गया और क्या क्या निकलता है, ओरिजिनल की पहचान देखिए। मशीन वाला हमेशा ये चीज़ें आपके सामने पेश करता रहता है कि आपका भरोसा एकदम बढ़ता रहे। अब ये देखिए इनके पट्टे हटाने पड़ेंगे हमें, ये पट्टे हटाओ आप लोग, इसके पट्टे हटा के फिर मैं इसको चालू करके भी इसकी आवाज़ सुनवाता हूँ कि किस तरह का इसका इसके अंदर आवाज़ होता है, कितना तेल डलेगा, कितने देर में सर्विस होगी और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे कि इंजन एकदम लॉन्ग टाइम तक बढ़िया चलेगा। और हमारे पास एकदम जीते जागते एक मिस्त्री है, इनको 25 साल हो गया इस लाइन में, सर जी तो कुछ भी देख के बता देंगे कि क्या क्या कमी है। इनसे भी बात करेंगे सर जी से कि ये कैसे अपनी मशीनों के इंजनों की देख रेख करते हैं और कैसे 25 साल गुजार दिए इन मशीनों के बीच में और किस तरह इसका ध्यान रखने से ज़्यादा चलती है। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, जानकारी भी वाली लग रही है तो प्लीज देखते ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पिछली वीडियो में बहुत प्रेम मिला, उससे ज़्यादा इसमें मुझे दीजिए, मैं बहुत ही भाग्यशाली और कृतज्ञ हूँ। ये देखिए ये कहाँ गया, पेचकस कहाँ गया, ये रहा। ये निकल गया, ये देखिए ये हट गया, ये देखिए चारों तरफ से किस तरह से ये आपका लिस्टर का इंजन ये आ गया। और ये देखिए लकड़ियाँ हटा दी हमने, अब एकदम चकाचक इंजन आ गया। ये देखिए अब हम ये पेटी खोल लेते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीज़ है। देखिए ये मैं हाथ से ही खोल दूंगा फटाफट जल्दी जल्दी। ये देखिए ये पेटी खोलने में देखिए क्या क्या निकलता है, भाई कंपनी ने एक बहुत अच्छा हैंडल दिया है, इसमें भी चेंजेस किए, ये प्लास्टिक का कर दिया और हरे रंग का कर दिया, पहले काले रंग का करता था, ये लकड़ी की आती थी, बहुत अच्छा। इसका ये एयर क्लीनर का ये ढक्कन है, इधर आइए आप, ये लगाते रहिए, इसमें कस दीजिए, ये इसका एयर क्लीनर है। देखिए एयर क्लीनर बहुत ही अच्छा है, एयर क्लीनर में मैंने हमेशा बताया है कभी भी आप इंजनों में क्या करिए, इसमें 100 ग्राम के लगभग में मोबिल ऑयल डाल के रखिए, यहाँ पे ये सुराग भी दिख रहा है, इससे क्या है ये सीमेंट वमेंट जो हमारा कंक्रीट के काम में खींचता है तो ये इसमें चिपक जाएगा, फिर लाइनर पिस्टन खराब नहीं होगा जल्दी से।
तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए एयर क्लीनर बहुत अच्छा है, हैवी दिया है, बढ़िया दिया है भाई। कंपनी कंपनी की चीज़ें होती हैं, कंपनी में सिस्टम से काम हो रहा है, 50 इंजीनियर लगे हैं, उसी तरह मशीन वाला में कंपनी की तरह काम होता है और आपकी जो मशीनें हैं अच्छे तरीके से दी जाती है। ये रहा इसका साइलेंसर, देखिए देखिए कितना हैवी साइलेंसर दिया है, इतना बड़ा, ये आवाज़ भी नहीं करता इसमें, वजन भी देखिए कितना अच्छा है, देखिए जी कितना बढ़िया साइलेंसर है इसका, हैवी साइलेंसर है कि नहीं, दे दीजिए उसमें लगा देंगे। और ये गत्ता खाली हो गया, फेंक देते हैं। अब ये निकलता है, देखिए एक फील्ड मार्शल कंपनी थैला देती है साथ में, थैला भी चेंज कर दिया है, पहले दूसरा आता था थोड़ा सा, अब ये थैला हल्का कर दिया है, पहले मजबूत थैला देता था, कंपनी भी सोच रही है महंगाई बढ़ती जा रही है पहले बहुत मजबूत थैला देता था। ये देखिए इस थैले में क्या क्या सामान निकलता है, ये देखिए थैला सर जी के इंजन में से निकला है, इसलिए आपको ये इंजन का ये थैला रखिए आप। और ये देखिए ये कॉपी निकलता है, इसके अंदर सब लिखा रहता है कैसे कैसे पार्ट्स होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए पेचकस एक निकला है, ये वापसी पाइप लगाइए इसका, ये दो निप्पल रखा है, पानी वाला इंजन है इसके लिए निप्पल है, और ये मोबिल ऑयल की टिप्पी दे दीजिए, देखिए कितना अच्छा चीज़ है। आपको इससे तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, पर जो आप मशीन ले रहे हैं उसमें बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। देखिए ये इसके अंदर हम तेल भर के क्या करेंगे, एक मैंने वीडियो में बनाया था बोतल का जुगाड़ करके, उसमें जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, इसमें तेल भर के आपको क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ सुराग होते हैं, जैसे यहाँ सुराग दिख रहा है, दिखाओ एक सुराग यहाँ पे, ये सुराग दिख रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे सुराग में तेल डालने में बहुत आसानी रहेगी, और ये फ्लेक्सिबल है तो इससे बहुत अच्छा है, मुँह पर ये बंद करने के लिए भी है, तो ये इंजन में काम नहीं आएगा। इंजन का जब भी सर्विस करेंगे आप, और उसका जो पुराना मोबिल निकलेगा उसी मोबिल को लेके इसमें डाल के अपनी सब मशीनों में डालिए। ये देखिए ये कस गया, ये इसमें चाबी पाने निकलते हैं, देखिए ये मैं ये भी बता दूं कितना कितना नंबर का निकलता है इसके अंदर, ये निकलेगा 16-17 का चाबी पाना, ये निकलेगा 2.5-3 का चाबी पाना, ये निकलेगा 18-19 का, ये 19-22 का चाबी पाना, और ये निकलेगा आपका 4-5 का चाबी पाना, और ये 24-27 का एक निकलेगा, ये इतनी निकलेगी, इसे कस दीजिए, वो लाइए डीजल, लाइए डीजल। ये देखिए ये कस गया सारा, और मैं इसको चालू करके भी दिखाऊंगा इस इंजन को, बहुत ही बेहतरीन इंजन है ये, देखिए ये टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझा दूंगा। देखिए ये देखिए इसमें जो भी नट बोल्ट लगे हैं ओपन ही कसने के लिए, उनकी सारी चाबी दी है कंपनी ने, ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे क्या है आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हम भी देते हैं टूल साथ में कंपनी के, जो भी मशीनें देते हैं, देखिए ये थोड़ा सा टाइट आता है, ये देखिए आ गया, अब इसका ये क्लैंप है यहाँ लगा लेंगे हम, लगा के इसको लगा दीजिए, और लगा के इसको कस देना है बढ़िया तरीके से। ये देखिए इसको चाबी से कस दीजिए फटाफट, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्षमा चाहता हूँ, पर जानकारी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि कोई सी भी जानकारी मिस होगी तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। ये देखिए एकदम ये इंजन बहुत ही सॉलिड और पावरफुल बेहतरीन इंजन है, हम जिसका वेट कर रहे हैं वो भी करने जा रहे हैं, इसको चालू करके आज आवाज़ सुनाऊँगा लाइव आपको। देखिए ये रहा, ये मैंने कस दिया, इसके अंदर फ्लाई व्हील लगा हुआ है, इंजन का कंप्रेसर यहाँ से लगता है, जब शुरू से ये इंजन चलता है 960 RPM होते हैं इंजन के अंदर में, यानी 960 चक्कर का स्लो मोशन का इंजन है, और बहुत ही स्मूथ स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से बंद और चालू करते हैं, इसका सिस्टम देखिए ये KM सिस्टम है, इससे ये गवर्नर से लेके सब कुछ ये चल रहा है, देखिए एक ही ये देखिए, और यहाँ से इसका कंप्रेसर लगाएंगे हम। अब देखिए इसमें तेल डाला जाएगा, ये देखिए ऊपर खोला जा रहा है थोड़ा सा, ये आती है तो पेटी पलटते उलटते आती है, ये देखिए अब यहाँ से तेल डालो जी इसका, अभी इसे बंद रहने दो पानी वाला, नहीं तो इसमें वो चला जाएगा। इसका तेल इसका यहाँ से डलेगा, आप इधर से डाल दीजिए तेल यहाँ से, ये बोल्ट खोल के जल्दी से डल जाएगा। इसमें वैसे तो जनरली 3.5 लीटर डाल देते हैं लोग, पर एक्चुअल में जो तेल डलता है इसमें 4.25 लीटर तेल डलता है, 4.25 लीटर तेल से ही ये
अपने पूरे लेवल पे सही से आ जाता है। ये देखिए, ये चार बोर्ड खोलने हैं सामने वाले, इधर का दिखाओ, ये देखिए ये चार बोर्ड खोलने हैं और तेल डाल देना है इसमें। इसमें तेल नापने का गेज भी है, ये देखिए, ये देखिए, ये खोल दिया हमने, ये कंपनी टेस्ट करती है उससे वो वाला तेल है इसके अंदर। अब हम इसमें तेल डालें, तेल डालिए जी इसमें, ये एक लीटर का है, ये देखिए ये एक लीटर का है, ये हमने डाल दिया एक लीटर, एकदम लाइव चला के दिखाऊंगा, चालू करके वीडियो के लास्ट तक बने रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो। ये देखिए ये हो गया दो लीटर, नापने के लिए रख रखा है हमने, ये देखिए दो लीटर हो गया, ये लीजिए, ये हो गया तीन लीटर, हम अंदाजे डाल देंगे पौने चार लीटर, और डालिए जी यहाँ तक डालना है बस, मैं वो रोकूंगा वो देना, बस ये देखिए इसमें हो गया ये पौने चार लीटर। अब डीजल डालिए इसमें, डीजल ये 15W40 का इंजन है, इंजन ऑयल है, बहुत ही बेहतरीन इंजन ऑयल है ये 15W40 का। इसकी आप मैक कंपनी की या सबसे टॉप की कंपनी है वैल्यू लाइन की वो लगा सकते हैं, या फील्ड मार्शल का भी इंजन है तो ऑयल आता है वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट सर्विस करते समय, देखिए सर्विस करते करने का ये तरीका भी बता देता हूँ मैं, जहाँ से ये तेल डला है यहाँ से तेल निकल जाता है इसका, इधर आइए दिखाता हूँ, यहाँ से खोलेंगे आप तो ये तेल निकल जाएगा, सर जी को सारा पता है। अरे तेल गिर रहा है, रुको रुको, ये दिया यहाँ पे पाइप लगाना भूल गए, आता है यहाँ थटाइए, ये यहाँ का पाइप नहीं है, ये वापसी वाला है ऊपर वाला, ये यहाँ लगेगा देखिए। जल्दी जल्दी में ना दिमाग चलाना पड़ता है बहुत, शेप ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले वहाँ लगाओ उधर की तरफ, देखिए ये एक ये यहाँ लग गया तेल का पाइप, और एक ये यहाँ लगेगा, देखिए यहाँ से तेल निकल रहा था। जो भी काम करते हैं अपने, हम सबसे जान पहचान करके एक साथ करते हैं तो कई सारी बुद्धिमत्ता काम करती है, फटाफट काम अच्छा होता है और जल्दी जल्दी भी होता है। देखिए ये इतने लोग लगे हैं तो आपकी वीडियो भी जल्दी जल्दी बन रही है और सब जानकारी भी जल्दी जल्दी मिल रही है। एकदम वो पॉइंट आ गया है, अब मैं इंडियन को चला के भी दिखाऊंगा, यहाँ से खोलते हैं, देखिए यहाँ से खोल के तेल को निकाल लेते हैं हम, और इसकी जो पहली सर्विस करनी है, सबसे पहली सर्विस उसको क्या है, आप 70 से 80 घंटे चलाने के बाद तुरंत मोबिल ऑयल चेंज कर दीजिए, और उसके बाद आप 150 घंटे में चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से मोबिल ऑयल चेंज करते रहेंगे तो इंजन में कभी कमी नहीं आएगा, और एयर कभी मत लेने दीजिए, और डीजल एकदम छान के बढ़िया डालिए, सालों साल तक इस इंजन में कमी नहीं आती है। ये बहुत जगह यूज होता है, आटा चक्की में, पानी के पंप पे, मशीनों में भी लगता है। डल गया ना, कितना डाला और डाल दो थोड़ा सा, ये देखिए अब इसका हैंडल है, ये देखिए इसके अंदर जो ये दिया है ये यहाँ लग जाएगा ऐसे, यहाँ लग के, और अगर आपका आटा चक्की का काम है या धनकुट्टी का काम है और बहुत सारी जगह ये लगती है, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। कहाँ गया कपड़ा, यहाँ पे था, ये देखिए लगा दो जी, लगा दो। अब इसका बस जिस चीज़ का था इंतजार वो पल आ गया है, अब हम इसे चालू करके इसका आवाज़ सुनाएंगे हम आपको कि कितना स्मूथ चालू होता है ये। तो हम चालू करने से पहले इसका हल्का सा एयर निकालेंगे, यहाँ से ये खोल दो, यहाँ पे तेल आने लगेगा तो एयर निकल जाएगा इसका, ये देखिए थोड़ा सा हैंडल घुमाइए इसका, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए वैसे ये इंजन दोनों तरफ चालू कर सकते हैं आप, ये देखिए
बस तेल का इंतजार है, तेल आ जाए। ये देखिए फूक मारी थोड़ा सा, टंकी का ढक्कन खोल के। कम से कम तो मान चलो 2 लीटर खा गए और डाल दो तेल। ये देखिए एकदम लाइव आपको पेटी में से खोलते ही इंजन चालू करके दिखा रहे। देखिए तेल आ गया, ये देखिए आ गया तेल, बहुत अच्छा। यहाँ से तेल आ गया, अब इंजन स्टार्ट होगा। ये देखिए देखिए ये किस तरह से घूम रहा है, और ये जब तेल आ जाएगा तो इसमें आवाज़ आने लगेगी। देखिए ये देखिए ये नोजिल का आवाज़ आ रहा है, ये जो टिक टिक का मार रहा है नोजिल का आवाज़ आ रहा है। और इधर दिखाओ, इधर ये इसका कंप्रेशर है, जब हम इसे चालू करते हैं तो देखिए ये कंप्रेशर है, बहुत हाई कंप्रेशर है इसमें। ये देखिए और हल्के से स्टार्ट होगा, देखना ये चालू करके दिखाते हैं हम इसको। ये देखिए ये फुल टाइट है ना, फुल टाइट है, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट स्टार्ट हो गया, एकदम बेहतरीन पावरफुल, एकदम पावरफुल इंजन है। देखिए ये, इसकी मैं आज आवाज सुनाऊंगा आपको। देखिए तेल बहुत कम खाता है, यहां से बंद हो जाएगा, बंद करके छोड़ दीजिए, एकदम बंद हो जाएगा। देखिए और कभी भी चलते में ये कंप्रेशर मत लगाना, नहीं तो इसके कनेक्टिव रॉड टूटने का डर होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। ये देखिए स्लो स्पीड के इंजन को देखिए कितना उठा दिया, इसमें यही तो खासियत है, बंद होने से भी चालू हो जाता है, दूध है ये एकदम। इसके व्हील का कमाल है, ये देखिए कितना कम स्पीड हो गया, फिर भी देखिए एकदम लो स्पीड पे, इसे बहुत जगह यूज कर सकते हैं आप इसे। ये देखिए हमने बंद कर दिया, अभी भी चालू हो जाएगा। यह बहुत ही फास्ट और पावरफुल इंजन, और कभी भी बैठता नहीं है कितनी भी लोड हो। देखिए बंद हो गया, बहुत ही बेहतरीन रहा इंजन। और यहाँ पे जूम करके दिखाओ, ये हमेशा ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुद्ध एवं छने हुए डीजल का उपयोग करें, पूरा डीजल खत्म होने पर पूर्व की टंकी का पुनः भर दें, यानी टंकी एकदम भरा हुआ रखें। पूरा ये फ्यूल इंजेक्टर स्प्रिंग के टेंशन में कोई परिवर्तन ना करें, यानी ये जो इसकी स्प्रिंग लगी है इसमें कोई कुछ ना करें। और प्रत्येक 1000 घंटे के बाद सिलेंडर हेड को साफ करें व वाल्व को ग्राइंडिंग करें, यानी 1000 घंटे के बाद जो सिलेंडर हेड है इसके और इसके वाल्व है उसको हल्का सा मतलब लेथ मशीन पे वो ग्राइंडिंग हो जाता है, या अपने हाथ से भी कर सकते हैं। सर जी ने इंजन चलाया है, इसके बारे में बताएंगे सर ये कैसा इंजन है। बहुत बढ़िया इंजन है, इसकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है बताइए। वही चक्की पर भी हो सकता है और दौरी पर हो सकता है, आटा भी पीस सकते हैं। देखिए दौरी पे भी हो सकता है, आटा भी चला सकते हैं, पानी भी चला सकते हैं। आपने इस इंजन को इस्तेमाल किया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, इंजन के बारे में, सर्विस के बारे में, क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। बढ़िया है भाई साहब, और ऐसा है कि इसका जो लोड दिया जाता है इसका ताकत बढ़ जाता है, लोड दिया जाता है तो ताकत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जो स्पीड है ज्यादा हो जाती है इसका। ऐसे तो देखने में लो चल रहा है, जब इसको लोड दिया जाएगा तो बढ़ भागे, वो गवर्नर और इसके ये काम उससे कोई स्पीड तेज हो जाता है। और ये है हमारे सर जी
बनारस के श्रीनाथ जी हैं, इनको बहराइच वाले बनारस वाले सब जानते हैं एकदम, जितने भी फोर लेग की लिफ्ट मशीन वाले हैं सभी जानते हैं सर जी की मशीन बन रही है और ये बहुत ही अच्छा इंजन है। तो कैसा लगा ये इंजन और कैसा लगा इसको चलाने का तरीका और किस तरह से लगा ये समझाने का तरीका मुझे पर्सनली कमेंट कर बताएं, और किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे पर्सनली कमेंट बताएं। हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते इसका रेट भी बताऊंगा, इसका मार्केट में ऑन रोड जो रेट है जो आता है 60 से 65 हज़ार के लगभग में आता है, आप कहीं भी पता करेंगे इंक्लूडिंग GST रेट रहता है ये। और ये एकदम किसानों के लिए आटा चक्की के लिए बहुत ही अच्छा इंजन है, हाफ हैंडल में स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे कमेंट आते थे मेरे पास कि सर जी जरा इसके अंदर सेल्फ लगा के एक वीडियो बना दीजिए, सेल्फ लगा के सेल्फ भी लग जाएगा, ये तो इतना स्मूथ स्टार्ट होता है कि सेल्फ की जरूरत ही नहीं है सर, बैठे बैठे स्टार्ट कर देते हैं इसे, ऐसा इतना आपके सामने मैंने स्टार्ट करके दिखाया, पेटी में से निकलने के बाद जो इंजन एकदम तुरंत स्टार्ट हो जाए उसको बताओ सेल्फ की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराई से नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण राधे।